अब विराट किंग नहीं है। बीते 12 साल की सबसे शर्मनाक सीरीज हार, चार बुड्ढों को टीम से हटाओ, अगले ही मैच से चार जो ये बुजुर्ग खिलाड़ी हो गए अब जिनसे परफॉर्मेंस होता नहीं है, जो सिर्फ नाम के कागज के शेर रह गए हैं, इनको हटाइए। किंग कोहली आपसे भी नमस्कार है, आप भी बस टाटा बाय बाय कर दीजिए, हो गया आपका भी। अब लगता नहीं है कि आपके अंदर वो जील, वो भूख जो रनों की थी वो है, क्योंकि वो विराट कोहली और इस विराट कोहली में जमीन आसमान का अंतर है। नहीं यार, किंग नहीं है, विराट कोहली इज नो मोर किंग। विराट हो सकता है कमबैक कर ले, हो सकता है बॉर्डर गावस्कर में जाकर एक दो पारी में शतक लगा दे। हमारे पड़ोसियों का लेवल किस तरह का है, आपने गुज़श्ता रोज से हमारी वीडियो में अपने ही प्लेयर्स के लिए इल्काबात, उनके लिए गालम गलोच और बकवास जरूर सुनी होगी। जब वो पाकिस्तान के बारे में गालम गलोच करते थे, बकवास करते थे, तब यह ख्याल आता था कि शायद ये जुनूनी लोग हैं, पाकिस्तान दुश्मनी में इस हद तक जा रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो नाकाम होते हैं, इतना बुरा भुला या इतना मजाक उनका पाकिस्तान में नहीं उड़ाया जाता जितना हमारे पड़ोस में यानी भारत का मीडिया उन्हें गालियां निकाल कर उनके बारे में बकवास करके निकालता है। लेकिन जब भारतीयों की हार हमने देखी गुज़श्ता रोज, न्यूजीलैंड ने बड़े बुरे तरीके से उन्हें पटखा, तो तब भारतीयों का असल लेवल अपने ही लोगों के बारे में क्या है वो देखकर हैरानगी भी हुई और उनके मेंटल लेवल पर अफसोस के साथ साथ दुख भी हुआ कि वो प्लेयर्स जो उन्हें हमेशा जितवाते आए हैं, एक सीरीज हारने के बाद उन्होंने उनकी क्या हालत की है। एक तो अगरबत्ती उठाकर आरती उतारता दिखाई दिया, कोई आग जलाते दिखाई दिए कि हम इनकी पिक्चर्स को जलाएंगे, कोई तो उन्हें बुढ़ा करार दे रहा है, कोई उन्हें लानतें भेजता दिखाई दे रहा है। यह है टोटल लेवल उनके उन इंटेलेक्चुअल्स का जो टीवी पर बैठकर भाषण देते हैं पाकिस्तानियों को कि इस तरह पाकिस्तानी अगर करें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ये इतनी जुनूनी और दीवानी कौम है कि टीवी या मीडिया तो कौम की रिफ्लेक्शन होता है, तो उनकी रिफ्लेक्शन आप अगर देख लें तो फिर उस कौम का अंदाजा आप खुद ही लगा लें जो कि जहालत पर मबनी है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है या जो रोडों सड़कों पर फिरते हैं, वो किस हद तक दीवाने या जुनूनी होंगे। और फिर जब मीडिया पर ये रिपोर्ट सामने आती है कि फलां शहर में फलां खिलाड़ी के घर पर हमला हुआ है, उसके घर को आग लगाई है, उसके पुतले जलाए जा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये सब कुछ इसी मीडिया की देन है अपनी कौम को। बहरहाल क्या कुछ कहा जा रहा है विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत सीनियर खिलाड़ियों को जिन्हें बुढ़ों का नाम दिया जा रहा है, आज की इस वीडियो में वही सब कुछ आपको दिखाते हैं। पर वो विराट कोहली जो मजाक मजाक में शतक लगा दिया करता था, वो विराट कोहली जिसको लेकर ये भरोसा था कि यार मैच जीत गए भाई, विराट है, जब तक विराट है मैच नहीं हारने वाले हम। आज वाला विराट कोहली वेल सेटल्ड है, वो भूख नहीं है रनों की, जैसे ही सीरीज खत्म होती है लंदन भागना होता है। तो इधर जब आपका फोकस ही थोड़ा डाइवर्ट हो चुका है तो फिर उन खिलाड़ियों को मौका दीजिए जिनका फोकस वाकई अभी भी क्रिकेट है, जिनकी प्रायोरिटी अभी भी क्रिकेट है। बुजुर्ग जिनको मैं बता रहा हूँ, सबसे नंबर एक है रोहित शर्मा। अब देखिए बड़ी टीम के खिलाफ ये वैसे भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म बहुत ज़्यादा इन्होंने कभी किया है नहीं, मतलब क्रंच सिचुएशन में जब बहुत चाहे नॉकआउट मुकाबले हों ICC इवेंट्स के या फिर ऐसा कोई मुकाबला हो कि हाँ यार इस जीत चाहिए ही चाहिए, यहाँ चलना चाहिए, ऐसे कम से कम अगर आप 50 मुकाबले याद करेंगे तो रोहित शर्मा आपको याद ही नहीं आएंगे। एक या दो मैच की बात अलग है, वो तो तुक्के में कोई भी कर देता है। तो सबसे पहले आप रोहित शर्मा को हटाइए, हो गया भाई, आपने T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, थैंक यू। अब आप थोड़ा जाइए, रास्ता खाली कीजिए, बहुत सारे युवा हैं जो आपसे ज़्यादा डिजर्विंग है और अब आना चाहते हैं। आप 35-36 साल के हो चुके हैं, छोड़ दीजिए भाई, हो गया, आपकी फिटनेस भी वो रही नहीं, रिफ्लेक्सेस भी वो रहे नहीं है, आप छोड़ दीजिए। वो विराट जिसने मलिंगा को मजाक बनाकर मारा था, वो विराट जिसने 2019 में ही शतकों की झड़ी लगा दी, 2019 तक 13 से 19 में आप रिकॉर्ड देखिए, फाफ फोर ओवर में कोई आसपास नहीं था। पहले विराट का स्टैट 50 के नीचे गया, 48-49, लेकिन अब विराट किंग नजर नहीं आते। जिस तरह से सैंटनर ने उनको बॉल मारी और वो घुमा रहे थे बल्ला और ठक से आके स्टंप पे लगी, माथा पकड़ लिया हम लोगों ने यार कि यार ये विराट नहीं है, ये वो विराट नहीं है यार, ये वो किंग नहीं है जिसको हम जानते थे। न्यूजीलैंड की सीरीज की हार, अगर एक सीरीज की हार होती तो शायद पचा लेते हम लोग। प्रॉब्लम ये है, अब ये एहसास होना शुरू हो गया है कि हर अच्छी चीज का एक वक्त होता है। रोहित, विराट, अश्विन, जडेजा, एहसास देने लगा यार। चलो अश्विन जडेजा कमबैक कर सकते हैं, अश्विन जडेजा अलग इंसान है, उन पर क्वेश्चन करना सही नहीं है, लेकिन रोहित और विराट ये वो नजर नहीं आते। रोहित पर किसी और वीडियो में हम बात करेंगे, इस वीडियो में विराट की बात करेंगे, क्योंकि विराट ना T20 में
ना ओडीआई में ना टेस्ट में, इस साल कहीं नहीं चले और ऐसा लग रहा है कि विराट अब सिर्फ अपनी लेगेसी के नाम पे खेल रहे हैं। वो लेगेसी जो उन्होंने पीछे क्रिएट की थी उसके नाम पर उन्हें खींचा जा रहा है। वो भी बाबर आजम जैसे बन गए कि एक दिन आएगा शायद अगर वो नहीं चलेंगे तो एक टफ कॉल ले ली जाएगी, शायद हो सकता है अगला मैच या फिर बॉर्डर गवास्कर से, अगला मैच तो नहीं बॉर्डर गवास्कर सीरीज इंपॉर्टेंस रखे। लेकिन विराट का डोमिनेंस खत्म हो गया, प्रॉब्लम इस बात से है, सीरीज आउट ऑफ फॉर्म, इन फॉर्म, ये सब चलता है। इट्स बीन ऑलमोस्ट फोर इयर्स 2020 के बाद से विराट कोहली का टेस्ट में डोमिनेंस नहीं दिखाई, उनको मौका दीजिए। इसके बाद तीसरे खिलाड़ी हैं अश्विन भाई साहब, इनकी भी एज हो गई है और मुझे लगता है कि अब इनको भी टाटा बाय बाय, एक ही फॉर्मेट वैसे भी खेलते हैं और इस फॉर्मेट से भी उनको अब टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, क्योंकि जब बड़ी टीम आ गई है अब आप बल्ले से भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, गेंदबाजी में भी उतनी धार नहीं है, जिस विकेट पर कोई खिलाड़ी 50 रन देकर 5 या 7 या 6 या 7 विकेट ले रहा है वहां पर आप पहली पारी में 93 रन खा जाते हैं और फिर 2 विकेट लेते हैं, तो भाई इसका मतलब आप में वो धार बची है नहीं, ना गेंदबाजी में, फिर बल्लेबाजी में भी आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो आपने आज तक किया था, क्योंकि एक पीरियड होता है उसके बाद फिर खिलाड़ी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। मुझे लगता है अश्विन का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, तो इनको भी टाटा बाय बाय कीजिए, कोई युवा इनकी जगह पर लेके आइए। और उसके बाद चौथा खिलाड़ी है रविंद्र जडेजा, इनको भी आप कह सकते हैं इनकी जगह पर आप अक्षर पटेल को मौका दीजिए, गेंदबाजी भी बेहतर है, बल्लेबाजी भी बेहतर है, इनसे युवा भी बहुत ज़्यादा हैं, जडेजा बहुत सालों से खेल रहे हैं, अब बुजुर्ग हो चुके हैं, तो इन चार बुड्ढों को हटाओ, चार युवाओं को लाओ। कौन से चार युवा हैं? सबसे पहले तो अभिमन्यु ईश्वरन, लगातार परफॉर्म किया है डोमेस्टिक में, लगातार शतक पर शतक ठोके हैं, तो सबसे पहले तो इनको लाना चाहिए, जिस तरीके से आप सरफराज को शतक पर शतक ठोकने के बाद लाए और उन्होंने फिर परफॉर्म करके भी दिखाया, तो इनको अगले ही मैच में ले आइए। आप कहेंगे इनका सिलेक्शन तो हो चुका है बीजीटी में, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप अगले ही मैच में इनको ले आइए। दूसरे खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़, आप इनको भी लेके आइए, खिलाइए, ओपनिंग करवाइए, रोहित शर्मा की जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ से ओपनिंग करवाइए, बढ़िया रहेगा, या फिर आप अभिमन्यु से भी करवा सकते हैं, विराट कोहली की जगह पर आप ऋतुराज को खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे खिलाड़ी हैं संजू सैमसन, आप इनको भी ला सकते हैं क्योंकि लगातार अब ये अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं जब भी मौका मिलता है। और चौथे खिलाड़ी हैं ईशान किशन, चाहे बुची बाबू टूर्नामेंट हो, चाहे दलीप ट्रॉफी हो या फिर रणजी ट्रॉफी हो, हर ट्रॉफी में इस खिलाड़ी का शतक है, डोमेस्टिक खेल रहा है, रन बना रहा है, प्राइम फॉर्म में है, इसका फायदा उठाइए, टीम में लाइए। हालांकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर, आप जैसे इसी सीरीज में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, अक्षर पटेल हो गए, आप उनको मौका नहीं दे रहे, खिला लो भाई, जडेजा को बैठाओ उनको खिलाओ, या फिर ध्रुव जुरेल हो गए आप उनको खिला लीजिए। मुझे लगता है इन सारे भी प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए जो डिजर्विंग है, और जो जिनका हो चुका है नमस्ते टाटा बाय बाय, आप निकल जाइए, हो गया, बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप खेलेंगे, आप टीम पर बोझ बने रहेंगे, आप WTC एक और हरवा देंगे और क्या होगा, कम से कम इन युवाओं को अगर अभी भी मौका मिल गया हो सकता है WTC जिता दें, आपसे तो पूरी उम्मीद खत्म हो चुकी है, क्योंकि वहां एक तगड़ी टीम मिलेगी, WTC अगर आप पहुंचते हैं तो वहां एक तगड़ी टीम मिलेगी, बड़ी टीम मिलेगी, और बड़ी टीम के खिलाफ कुछ हमारे बड़े प्लेयर्स का क्या हाल होता है। वीडियो आपने मुलायजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑफ द स्क्रीन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा।